प्रियंका, आज तक लगातार हम खुद वहां पे थे, लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी थे, हम लोग ये खबर दिखा रहे थे और लगातार हम लोग ने कवरेज की है। तो 2.5 दिन तक जब आप भीतर थी, 1 मिनट के लिए आपको लगा कि शायद मैं वापस चली जाती हूँ? अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फोन नहीं था? एक मिनट के लिए फोन था जी, और इंटरनेट नहीं था सर? हाँ, इंटरनेट फोन सर्विसेज सारी काटी गई थी। लेकिन क्या लगा आपको भी जब आप हिरासत में थी और गिरफ्तार हुई थी? कुछ नहीं लगा, मुझे ये लगा कि यहाँ पे अगर 6 महीने रखना चाहते हैं, 1 साल रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ। इसमें कुछ भी, मुझे कुछ भी करें, इसका कोई, मुझे तो ये मुद्दा ही नहीं लगता, ये मेरे हिसाब से ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि अन्याय हो रहा है और बार बार हो रहा है। देखिए मौसमी जी, नई चीज़ नहीं है, हाथरस में हमने क्या देखा, पूरा प्रशासन और पुलिस विक्टिम की फैमिली के पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि विक्टिम का जो रेप्यूटेशन है उसको खराब करने की कोशिश की। फिर ये उन्नाव में हमने क्या देखा, मैं आपको बताती हूँ एक चीज जो मैंने पहले कभी नहीं कही है। जी। जो उन्नाव की विक्टिम एम्स में आई थी, मैं उसके परिवार से मिलने गई, आपको मालूम है मुझे क्या दिखा वहाँ पे? जब मैं वहाँ गई तो मुझे रोका गया कि आप नहीं मिल सकते। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई ऑर्डर है आपके पास दिखा दीजिए। आप लोग नहीं थे, मीडिया के लिए नहीं था ये सब, कभी मैंने मीडिया में ये बात बोली भी नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ खड़ी थी और मैं वेट कर रही थी कि ये लोग अपने अफसरों को फ़ोन करके पता करें कि मैं, अगर मुझे अलाउ करेंगे उस प्रेमिसिस में, एम्स की जो साथ में एक बिल्डिंग है, उस प्रेमिसिस में उनकी मम्मी और उनकी बहन थी जी। हम ऐसे खड़े हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, पीछे से मुझे दरवाजे के थपथपाने की आवाज़ आई खूब ज़ोर से, और एक महिला की जैसे आवाज़ आई कि महिला कुछ कह रही है उत्तेजित होकर। तो मैंने कहा कि ये आवाज़ कैसे आ रही है? तो अफसर एक दूसरे को देखने लग गए, तो मुझे अचानक लगा कि इनको शायद बंद कर रखा है। तो मैं चलने लगी उस दरवाजे की तरफ, और वो बंदूक लिए हुए थे, वो जो गार्ड था वो ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, और पीछे से ये औरत थपथपा रही थी जोर से, हमें बाहर निकलने दो, बाहर निकलने दो। तो मैं थोड़ा सा आक्रामक हो गई, मैंने कहा आपको, आपने बंद कैसे कर लिया? आप अगर किसी की सुरक्षा के लिए यहाँ हैं तो आपने बंद कैसे कर लिया? तो यूं अपने हाथ को पीछे करके उन्होंने ऐसे ताला खोला दरवाजे का, और अंदर माँ और बहन थी और एकदम एजिटेटेड थी। तो मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने मुझे बताया कि उनको बंद रखा जाता है। तो मैंने कहा कि आपको कभी बाहर नहीं निकलने देते? नहीं, सिर्फ खाने के लिए हमें बाहर निकलने देते हैं। तो पूरा प्रशासन, पुलिस, सब कुछ सुरक्षा के नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर, आप बताइए कि क्या वजह है कि एक रेप विक्टिम की फैमिली को एक कमरे में बंद आप, और मैं 10 दिन बाद गई थी, 10 दिन बाद गई थी, क्योंकि मैं उसको बड़ा पब्लिसिटी इशू नहीं बनाना चाहती, सहानुभूति दिखाने गई थी। 10 दिनों से आपने वहाँ रखा था, बंद करके रखा था, और ये रेप विक्टिम की फैमिली है, उन पे क्या बीती ऑलरेडी? आप कह रहे हैं योगी सरकार ने यही चीज सोनभद्र में देखी, पुलिस प्रशासन एकदम आक्रामक था, किसके प्रति? विक्टिम के प्रति। और जिसने जो कांड किया है, जिसने वो हादसा, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ है, वो फ्री है। आज भी आप देख रहे हैं जो अक्यूज्ड है वो तो टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है। आप बिल्कुल श्योर हैं कि उन्हीं, वो थे मौजूद गाड़ी में? देखिए, श्योर हूँ या नहीं हूँ ये जांच में आएगा। अगर जांच निष्पक्ष है तो सच्चाई आ जाएगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जिससे बात की है, रिलेटिव से बात की है, जो वहाँ पे पत्रकार हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन आया है, उनसे ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि सब इस लड़के को पहचानते हैं, सब ने इसको देखा, वहाँ मौजूद था। में भी थोड़ी सी ग्रैब्स वगैरह है, उसमें भी कुछ दिख रहा है। अब मेरा ये कहना है कि मान लो ये इनोसेंट है, फिर भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर उनका बेटा अक्यूज्ड है और वो मंत्री हैं, उनके अंडर तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। रिजाइन करें, निष्पक्ष जांच कराएं। अगर उस जांच में ऐसा हो, बुलाया था अमित शाह ने, बुलाया था, अगर उस जांच में ऐसे निकले कि नहीं एक्चुअली ये गलती है, किसी और ने किया है, एक्चुअली ये बात निकले, फिर मंत्री बन जाना। लेकिन जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक जांच फेयर नहीं हो सकती है, निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है। जी, मेरा आखिरी दो सवाल सब लोग कह रहे हैं जाने के लिए, प्रियंका आप जुड़ी हम लोग के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल है, आपने कहा पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे अखिलेश यादव है, उन्होंने भी, भाजपा ने जो एक नया सिलसिला निकाला है ना, कि जो विपक्ष उनके खिलाफ बोलता है, जो इशू उठाता है वो राजनीति कर रहा है, वो इशू उठाए वो राष्ट्रवाद कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये एक मीडिया में एक पूरी प्रोपेगेंडा की है ताकि लोग चुप हो जाएं, ताकि लोग आवाज नहीं उठाएं।
लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं तो चुप नहीं रहूंगी और ना कांग्रेस पार्टी रहेगी। अखिलेश लेट हो गए इसमें, कह रहे हैं कि मैं प्रियंका के बारे में नहीं बोलना चाहता, वो रूम में रहती हैं, कभी कभी निकलती हैं, उन्होंने ऐसा बोला इंटरव्यू में। तो उनको पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन आपने 1.5 सालों से कब देखा है उनको सड़क पे? मुझे कहा, मुझे देखा है कि नहीं? मुझे हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, मुझे सोनभद्र में देखा, मुझे यहाँ देखा, आपने मेरी पार्टी को सड़क पे देखा। कोरोना के समय मेरी पार्टी ने सबसे ज़्यादा रिलीफ का कार्य किया, मेरी पार्टी लगातार ज़िलों में प्रदर्शन कर रही है, शहरों में प्रदर्शन कर रही है। उनकी पार्टी क्यों नहीं दिख रही है ज़मीन पे? क्योंकि वो कमरे में बंद रहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति अब सीमित हो गई है ट्वीट्स तक और अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने नेताओं से मिलना।